श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नृत्य गोपाल दास को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट कराया गया था, उन्हें ऑक्सीजन लगाया गया था। नृत्य गोपाल दास इस समय मथुरा में हैं। आगरा के सीएमओ और तमाम डॉक्टर्स नृत्य गोपाल दास के इलाज के लिए पहुंचे हैं। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महंत नृत्य गोपाल दास, उनके समर्थकों और मथुरा के जिलाधिकारी से बात की है। इसके साथ ही सीएम योगी ने मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर नरेश त्रेहन से बात की है और महंत नृत्य गोपाल दास को गुरुग्राम स्थित मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की तैयारी है। गौरतलब है कि नृत्य गोपाल दास हर श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान मथुरा आते हैं। मथुरा यात्रा के दौरान आज उनकी तबीयत बिगड़ गई, उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, इसके बाद उनका कोरोना टेस्ट किया गया, उनका कोरोना रिजल्ट पॉजिटिव आया है। गौरतलब है कि पिछले दिनों ही अयोध्या में रामलला के दो पुजारी कोरोना संक्रमित मिले थे। इसके अलावा कई पुलिसकर्मी भी कोरोना पॉजिटिव मिले थे। कोरोना संकट को देखते हुए राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन के कार्यक्रम में खास इंतजाम किए गए थे। मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था। इस समय देश में कुल कोरोना मरीजों का आंकड़ा 24 लाख के करीब पहुंच गया है। पिछले 24 घंटे में करीब 67,000 नए मामले सामने आए हैं और 942 लोगों की मौत हो गई है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी अपडेट के मुताबिक कुल मरीजों की संख्या 23,96,637 है। कोरोना से 47,033 लोगों की मौत हो चुकी है। कोरोना से अब तक 16,95,982 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केस की संख्या 6,53,622 है। आंकड़ों के मुताबिक देश में कोरोना से औसत रिकवरी दर 70% से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही देश भर में एक दिन में सबसे ज्यादा 7,33,449 टेस्ट किए गए हैं।